जेके न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट अपना तीसरा सीजन शुरू कर रहा है और दूसरी बार जम्मू में ये चैंपियनशिप हो रही है। कल एमएस स्टेडियम में जम्मू वाले स्ट्रेच का पहला मैच होने वाला है मणिपाल टाइगर्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच में, और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया कैपिटल्स के तीन बड़े प्लेयर्स से मिलने की, जिसमें है फैज फैजल, परविंदर अवाना और इकबार अब्दुल। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कुछ लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में और उनकी खुद की क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट जो है कल 3 तारीख को शुरू हो रहा है, तो इंडियन कैपिटल के जो प्लेयर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल रहेगा कि इससे पहले आप जम्मू आए हैं? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, बट फीलिंग वेरी हैप्पी। हमेशा से ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर आना है, तो जम्मू से स्टार्ट हुआ है, तो वेरी हैप्पी। तो सर कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस अभी तक लेजेंड्स लीग क्रिकेट के? पिछले तीसरा सीजन चल रहा है ये, तो इससे पहले आपने लेजेंड्स लीग क्रिकेट खेला है या उसमें क्या रहा है आपका? नहीं, ये मेरा तो पहला है क्योंकि आई हैव जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्लास, तो मैं ये मेरा पहला सीजन है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है। हमारा टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जेल हो रहे हैं हम लोग, काफी सारे प्लेयर्स जितने भी हैं, और टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो यू नो हम लोग बहुत एंजॉय बहुत कर रहे हैं, नो डाउट। तो सर इससे पहले आपने जम्मू के बारे में क्या क्या चीजें सुनी थी? आप पहली बार जम्मू आ रहे हैं, तो इससे पहले क्या क्या आपके माइंड में रहता था कि जम्मू कैसा रहेगा या जम्मू कश्मीर कैसा होगा? सबसे खूबसूरत जगह है ये दुनिया की, मेरे काफ़ी सारे जो रिलेशन्स में भी है वो भी काफ़ी यहाँ वर्ल्ड वर्ल्ड घूमते रहते हैं, वर्ल्ड टूर काफ़ी करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड भी कुछ नहीं है तो जम्मू कश्मीर इतने खूबसूरत है। तो हमेशा से मेरे तो बचपन से ख्वाहिश थी, मेरी फैमिली बहुत फॉर्चुनेट है कि 2-3 बार आ चुकी है, मैं कभी भी आज तक हमारे कभी जम्मू कश्मीर से मैच यहाँ पे भी नहीं हुआ, हमेशा हम लोग होम में खेले हैं, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एज आई सेड, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सर जैसे ये लेजेंड्स लीग क्रिकेट का फॉर्मेट जो है वो T20 क्रिकेट है, तो कहा जाता है कि क्रिकेट को जो सही पहचान मिली है या जो असली क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट से खेलते हैं, तो आप तीनों फॉर्मेट्स के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, टेस्ट क्रिकेट तो इसीलिए नाम भी है ना ऐसा कि टेस्ट क्रिकेट ऐसा होता है कि वहाँ पे आपकी हर चीज़ को टेस्ट किया जाता है, इट्स टेस्टेड, आपके स्किल लेवल, आपका टेक्निकल, आपका इमोशनल, आपका फिजिकल, जो भी हर सर सब सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होती है वहाँ पे, तो टेस्ट क्रिकेट इज़ अल्टीमेट क्रिकेट। अब सारे लेजेंड्स भी जो है वही यही बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, इनसे बात करें, जो रूट, इनसे सब सारे से बात करें तो वही है, टेस्ट क्रिकेट इज़ द बेस्ट, और मेरे हिसाब से भी टेस्ट क्रिकेट तो बेस्ट होता है। आई विश लेजेंड्स लीग एक टेस्ट क्रिकेट का भी हो आगे। सो सर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपकी सबसे मेमोरेबल मूवमेंट रही थी वो क्या थी? डोमेस्टिक क्रिकेट में हम लोग 2017-18 दो सीजन बैक टू बैक रणजी ट्रॉफी जीते थे, फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी कैप्टनसी में हम लोग जीते थे, तो आई थिंक वो मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो आपके लिए क्या रहता है कि जैसे T20 फॉर्मेट है उसमें कहते हैं कि इट्स अ बैट्समैन गेम, तो आपको क्या लगता है कि बॉलर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? T20 बैट्समैन गेम बोला जाता है, क्रिकेट को भी बोला जाता है, लेकिन T20 जिताते बॉलर्स ही, आप देखना जो मैच में भी बॉलर्स बेटर डालते हैं बॉलिंग वो मैच जीतते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इवन। हाँ, बॉलर्स को इतना क्रेडिट नहीं देते, आई डोंट नो व्हाई, बट जो हम लोग खेलते हैं, जो खेलने वाले, वो डेफिनेटली दोनों को लेवल पे रखते हैं और इक्वल रखते हैं। अगर अभी बात की जाए इंडिया वर्सेज बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की, तो आप उसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे आई एम श्योर, तो कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है ये, तो आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? क्या रिकॉर्ड है हिस्टोरिक? जो हिस्टोरिक रिकॉर्ड है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है और 4 दिन में ख़त्म हो गया। हिस्टोरिक तो आई डोंट नो हिस्टोरिक कितना है, बट इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग सही जीते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम लोग टॉप पे हैं, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड, और वी आर प्लेइंग इंडियन क्रिकेट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट राइट नाउ, तो आई थिंक वी आर डूइंग रियली वेल एज अ कंट्री एंड एज अ इंडियन क्रिकेट टीम, वी आर डूइंग रियली वेल, आई एम रियली प्राउड, एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ द वुमेन क्रिकेटर्स, इंडियन टीम जो हमें वर्ल्ड कप खेली गई हुई है, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट मुझे ऐसा लगता है, या दे आर डूइंग सो वेल, तो ऑल अराउंड हमारा क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो इट्स वेरी हार्टनिंग एंड वेरी बहुत खुशी की बात है। तो क्रिकेट जो है वो काइंड ऑफ एक ग्लैमर है इंडिया में देखा जाता है, और कहते हैं कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि यू कैन नॉट मेक टू दी प्लेइंग 11 और इवन दी इंडियन क्रिकेट टीम, तो कितना मुश्किल रहता है ये जर्नी जो है एक क्रिकेटर के लिए? ग्लैमर तो मुझे पता नहीं है, आप जैसा बोल रहे हैं आई डोंट नो कितना ग्लैमर होता है, बट यस इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन 1.5 बिलियन आई डोंट नो कितना है अभी, इट्स ग्रोइंग, और हमारे लिए इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है, तो यू नो हर गली में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो कंपटीशन इतना स्ट्रांग है कि कंट्री के लिए खेलना इट्स मोर देन अ ड्रीम आई फील,
आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू प्ले फॉर द कंट्री वनडे इंटरनेशनल्स में, तो आई थॉट के बहुत फॉर्चुनेट था मैं, और आई थिंक फॉर्चुनेट लकी सारी चीज़ें हो जाती है. नो डाउट परफॉर्मेंसेज भी उतने अच्छे होते हैं, इसलिए आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए. बट देर आर सो मैनी क्रिकेटर्स, और बहुत मुझे आई एम श्योर कि मुझसे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी होंगे जिनको बेचारों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कंट्री के लिए खेलने के लिए. बट इट्स एज यू सेड, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया के लिए खास करके खेलना, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलना, इट्स बहुत बड़ी बात है मुझे. Who inspired you in your growing days? जब आप क्रिकेट देखते थे as a teenager, तो आपको किसने इंस्पायर किया था कि आप भी एक दिन जो है देश के लिए खेलेंगे? To be very honest, मैं आपको बताऊँ, मुझे क्रिकेट गेम से ही बहुत प्यार है. तो क्रिकेट इट्स बीन द गेम इट सेल्फ हैज बीन माई ग्रेटेस्ट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, और जो भी आप कह लें. बट मेरे डैड का बहुत बड़ा रोल है, मेरे पापा का, ही हैज प्लेड अ बिग रोल मुझे डेवलप करने के लिए. और यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने लंबे करियर में हर एक मोड पे कोई ना कोई कोचेज, कोई ना कोई मेंटर्स हमारे हमें गाइड करने के लिए कोई ना कोई आता है. तो मैं एक किसी का नाम लेना इट वॉन्ट बी राइट. तो बहुत लोग आए जिन्होंने मेरे क्रिकेट को डेवलप किया, और मैं कंट्री के लिए खेल पाया, और मुझे लगता है कि या आई एम सो थैंकफुल, सो थैंकफुल. टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट फॉर्मेट्स, कुछ नए क्रिकेट फॉर्मेट्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, आई डोंट नो वो लोगों को कितने पसंद आएंगे, T10 या 100 मैन जिसमें खेलते हैं सभी, 100 वुमेन या मैन, तो वो फॉर्मेट्स जो है वो कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं आगे? नहीं देखिए, आजकल क्या हो गया ना कि टाइम इतना कम है लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास, के टेस्ट क्रिकेट बैठ के देखना 6-6 घंटे 5 दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी बहुत लोगों के लिए. स्टिल स्पोर्ट्स से कनेक्टेड रहने के लिए ये सारे फॉर्मेट्स अच्छा है. आई थिंक एक छोटा मूवी जैसा, यू नो. डू यू थिंक कि ये क्रिकेट को जस्टिफाई कर पाएंगे ये फॉर्मेट्स? व्हाई नॉट, इट्स स्टिल प्लेड विद बैट एंड बॉल, सो व्हाई नॉट. इंटरेस्टिंग. तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू जेके न्यूज़ टुडे सर. थैंक यू. तो सर, लेजेंड्स लीग क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर कैसा रहा है अभी तक, और किस तरह से आप लेजेंड्स लीग क्रिकेट को एज अ फ्यूचर देखते हैं कि क्रिकेट में शायद ये गेम चेंजर हो सकता है? हाँ, रिटायर प्लेयरों के लिए गेम चेंजर है, और मैं पिछले 3 साल से ये लीग खेल रहा हूँ, और पहले साल खेला, दूसरे साल खेला, ये 3रा साल है, और दूसरी बार हम जम्मू कश्मीर आ रहे हैं. तो सर, जो जम्मू में आपका अभी तक आपको क्या रहा है, आपको क्या लगता है कि जम्मू में जो है अभी तक किस तरह से रिस्पांस देखने को मिला है एलएलसी? बहुत अच्छा रहा है, लास्ट ईयर बहुत प्यार मिला है यहाँ के दर्शकों से, और काफ़ी इन्जॉय किया है मैंने अपने क्रिकेट को, और यहाँ की जो दर्शक हैं काफ़ी मिलनसार हैं, काफ़ी शेयर करते हैं. तो उससे क्या है कि वो जो पुरानी यादें हैं ना वो वापस आ रही हैं, कि आईपीएल के टाइम, इंडिया के टाइम में पब्लिक ऐसे ही क्राउड करता है, तो यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिली. क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से कहीं ना कहीं काफ़ी कोसों दूर रहा है कुछ सालों तक, क्योंकि 35 साल के बाद लास्ट ईयर जम्मू में क्रिकेट खेला गया, इस बार पहली बार 41 साल के बाद कश्मीर में खेला जाएगा. तो आपको जम्मू और कश्मीर के बारे में, आपने बचपन में भी सुना होगा या आप आए भी होंगे, तो किस तरह की आपकी मेमोरीज रही हैं, और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो लीग्स हो रही हैं जम्मू और कश्मीर जैसी स्टेट में जहाँ पे क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, तो किस तरह की चीज़ें जो हैं बदल सकती हैं जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट के? देखिए, क्रिकेट वापस आया है, और वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट तो हर साल होती है, बट लेजेंड्स यहाँ पर आए हुए हैं और लास्ट ईयर आए हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है. जब दर्शक देखने आता है तो अपने जो लेजेंड्स होते हैं उनको देखते हैं अपना, क्योंकि उन्होंने वो टीवी में देखे हैं. अब रियल में आप अगर किसी प्लेयर को देखोगे, तो मैं भी जब छोटा था तो मैं भी जब मैच देखने गया हूँ कोटला स्टेडियम, तो फिर एक रहता है कि मैं भी ऐसा बनना चाहूँगा. तो ज़रूर यहाँ पर इतने सारे प्लेयर आएंगे, 6 टीमें हैं, तो कोई ना कोई प्लेयर किसी लेजेंड्स को देख के प्रेरित ज़रूर होगा, वो क्रिकेट स्टार्ट करेगा या अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करेगा. जब वो खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं, और जब कोई चीज़ कहीं शहर में आती है तो कुछ ना कुछ अपना रंग रूप छोड़ के जाती है. और 35 ईयर्स इधर हुए हैं, और 41 ईयर्स आप श्रीनगर, क्योंकि मेरा दूसरा टाइम है, लास्ट ईयर मैं दूसरा टाइम था, पहले साल मैं वैष्णो देवी दर्शन करने आया था काफ़ी साल पहले, और पहली बार मैं श्रीनगर जाऊँगा, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी टीवी के माध्यम से या फिर जब कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है भी खूबसूरत, तो वो देखने का मेरे को मौका मिलेगा, और वहाँ पर क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा. सब जगह क्रिकेट खेली है, बट यहाँ का जो जम्मू कश्मीर में लास्ट ईयर जो स्वागत किया लोगों ने,
सलूट है दर्शकों को। तो सर थोड़ा सा लाइट आते हैं कि जम्मू में आप पिछले साल आए थे, तो जम्मू में कुछ दोस्त बने या कुछ खाना खाया आपने, ट्राई किया जो स्पेशलिटी हो जम्मू की? हाँ, लास्ट ईयर राजमा चावल खाए हमने यहाँ के, बाहर भारी है बिल्कुल, होटल से निकलेंगे ना राइट साइड में है, तो वहाँ पर यार दोस्त आए थे काफी जानने वाले हैं, तो इंजॉय किया, काफी मिलनसार है, मैंने बताया ना पहले, काफी मिलनसार है यहाँ के लोग। तो आपको क्या लगता है कि जम्मू में जो क्रिकेट एज ए करियर लोगों को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। देखो जी ये सिंपल है, एक तो आपकी सेहत बनेगी, आप फिट रहेंगे और साथ साथ पैसे भी बनेंगे, क्योंकि आप अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलोगे तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे और सेहत के साथ स्ट्रांग रहोगे, वेल्थ भी और हेल्थ भी। तो जो बच्चे नहीं कर पाते उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल यार, है देखो अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, इतना ईजी भी नहीं है, तो आपको प्रॉपर तरीके से एक प्लान बनाना होगा, आपको अकेडमी में जाना होगा, वहाँ पर घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन जो ट्रायल्स होती हैं अपने स्टेट एसोसिएशन जो कराते हैं वहाँ पर भाग लीजिए, पहली बार नहीं होगा दूसरी बार होगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे, उसको उस कमी को पूरा करके फिर देन आप अगले साल फिर मेहनत करके और स्ट्रांग बन के आए तो परफॉर्मेंस आने लगेगी, तो आपको जो उत्साह है ना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो परिणाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कभी हार मत मानो, सफलता जरूर मिलेगी, प्रैक्टिस करोगे सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। सर जेके न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सर पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका सो फार अभी? जी हाँ, लेजेंड्स लीग रिटायरमेंट होने के बाद मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी क्रिकेट है और चैलेंजिंग क्रिकेट है, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें। तो जम्मू में आपकी अभी तक कोई विजिट हुई है? जी हाँ, लास्ट ईयर मैं खेला हूँ यहाँ पे, और जिस तरह से यहाँ पे क्राउड है, जिस तरह से यहाँ के लोग इंतु है क्रिकेट को लेके, मुझे लगता है मज़ा आएगा आगे के मैचेस को। तो जम्मू में भी दोस्त बने आपके? जी हाँ, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, जैसे आप अब्दुल समद हो गया, उमरान मलिक हो गया, और परवेज रसूल हो गया, और बहुत सारे आबिद नबी पहले थे वो जो हमारे बॉम्बे में आके खेला करते थे, तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे यहाँ पे। तो सर वाइल ग्रोइंग अप आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते थे इन क्रिकेट? एक्चुअली ग्रोइंग जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं शुरू से डैनियल विटोरी का फ़ैन था, और हमने पाजी को देख के बड़े हुए, सचिन पाजी को देख के बड़े हुए, युवराज सिंह को देख के बड़े हुए हम, और अच्छा लगता था कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, पाजी का जैसा डिसिप्लिन है, राहुल सर का है, राहुल द्रविड़ जी का है, मुनाफ भाई का है, कि ये लोग कैसे छोटे सी जगह से आके डोमिनेट किया है, खेला है, मैचेस खेला है, तो ये लोग हमारे इंस्पिरेशन है। आपकी मेमोरेबल अभी तक की जो क्रिकेटिंग जर्नी में जो भी मोमेंट रहा है वो हमसे शेयर करेंगे? बहुत सारे हैं, बट दो तीन मैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले देश के लिए खेला अंडर 19 वर्ल्ड कप अंडर विराट कोहली, हम लोग चैम्पियन हुए। फिर उसके बाद दूसरी मेमोरी थी पाजी, सचिन पाजी के साथ ड्रेसिंग रूम हम लोग टीवी में देखते थे, और फिर मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस होना, वो डिफरेंट अचीवमेंट था, वो गूज़बम्स था कि पाजी वहाँ बैठे रहते थे, हम लोग उनके पीछे से जाके देखा करते थे कि पाजी क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ नोट किया करते थे। और फिर IPL जीतना, फिर बहुत सारी, फिर बॉम्बे के लिए ट्रॉफी जीतना, रणजी ट्रॉफी जीतना, 43-44 टाइम हम लोग चैंपियन हुए बॉम्बे के लिए, तो बहुत सारी मेमोरीज है, और आपको बयान करेंगे तो बहुत लंबी लंबा हो जाएगा। आफ्टर 41 ईयर्स कश्मीर में कोई एक इंटरनेशनल स्टेचर का मैच हो रहा है, एक लीग हो रही है, चैंपियनशिप हो रही है, तो आप इससे पहले कभी कश्मीर आए हैं या कोई आपकी कोई मेमोरी है कश्मीर को लेके? आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी एक महीना मैं कश्मीर रह के गया हूँ, ये 15-20 दिन पहले मैचेस खेल रहा था मैं ब्रिज बिहारा में, तो लास्ट ईयर भी हम जम्मू आए हुए हैं, मैं बिलवाड़ा किंग्स की तरफ से खेल रहा था, तो एक अच्छा मेमोरीज है यहाँ पे, और होपफुली आगे के मैचेस अच्छे होंगे और मज़ा आएगा। जम्मू की कोई खास बात जो आपको लास्ट ईयर भी अच्छी लगी हो और इस साल कुछ फिर से ट्राई करना चाहेंगे? खास खाने को लेके? खाने को लेके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वाजवा हैं और बहुत सारा, क्या नाम बताऊँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और हेल्दी एंड बहुत यमी फूड है यहाँ पे। एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, आप जम्मू में हैं काफी दिन तो कलाड़ी कुलचा जरूर ट्राई कीजिए। जरूर, आपके कहने पे वो भी ट्राई करेंगे, अगर नहीं, अगर हमें नहीं मिल रहा है तो आप लाके सर्व करें। बिल्कुल। थैंक यू सर।